नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई कुवैत के बारे में। जी हाँ, कुवैत के वीज़ा बिल्कुल फ्री मिलेगा, कुछ नहीं देना आपको, तनख्वाह की अच्छी तनख्वाह मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, टिकट फ्री, वीज़ा फ्री, और क्या चाहिए भाई। सिर्फ आपको मेडिकल करवाना है और 20,000 रुपये हमें देना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तनख्वाह है डबल, आप समझ सकते हैं। तो भाई क्या माजरा है, डिटेल से हम बात करेंगे। कुवैत जाने वाले खास तौर से वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए भाई, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। एक भाई ने मुझे डॉक्यूमेंट भेजा। डॉक्यूमेंट क्या भेजा भाई? ऑफर लेटर भेजा, अपनी वॉइस भेजी, एजेंट के साथ डील हुई, वो बातें भेजी। मैंने देखा तो देखने के बाद में समझ में ये आया कि बंदे को ऑफर लेटर दिया गया है, मेसन का काम बताया गया है, 190 केडी तनख्वाह बताई गई है। इंडिया का समझ सकते हैं भाई कितना बनता है, लगभग 70,000 रुपये बंदे को तनख्वाह बता दी। और करना कुछ नहीं है, वीज़ा फ्री है, टिकट फ्री है, सिर्फ 20,000 रुपये अभी यहाँ देने हैं, बाकी वो 20,000 रुपये कुवैत पहुँचने के बाद आपको वापस कंपनी कर देगी। जी हाँ, और मेडिकल करवा लेना, सिर्फ आपको 6,500 रुपये लगेंगे। ये बंदे के साथ डील हुई, बंदे ने मुझे बताया, पूरी बातें सुनी, समझ में आया। अब आप ऑफर लेटर देखती है, पर आगे और बात कर लेते हैं। ऑफर लेटर है भाई, ये आप समझ सकते हैं, ये ऑफर लेटर है कुवैत का, उसको बंदे को दिया गया है, एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट है, जबकि 9 सितंबर का ये वीज़ा है। 9 सितंबर को फ़्लाइट भी कुवैत की बंद थी, लेकिन बंदे को ऑफर लेटर दे दिया गया है। नाम सब्जेक्ट है भाई, देख लो, कंस्ट्रक्शन कंपनी कुवैत का है, मेसन है, बेसिक सैलरी 190, 2 साल का टाइम है, प्रोबेशन पीरियड 1 मंथ, मात्र 1 महीने आपको प्रोबेशन पीरियड रहेगा। खाना फ्री है, फूड फ्री है, अकोमोडेशन फ्री है, ट्रांसपोर्टेशन फ्री है, वर्किंग आवर्स 8 घंटे है, ओवर टाइम, ज्वाइनिंग डेट, साइट इंश्योरेंस, टर्मिनेशन, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन सब कुछ दिया गया, ज्वाइनिंग रिटर्न, ऑल टिकट, अदर बेनिफिट वगैरह। भाई छोटे से ऑफर लेटर में पूरा सिस्टम दे दिया, आगे कंपनी की मोहर वगैरह सब कुछ एकदम कर करा के एकदम ओके करके दे दिया भाई बंदे को। ऑफर लेटर देखा, बंदे से बात हुई। आपको क्या लगता है, जो लोग कुवैत रहते हैं, कुवैत रिटर्न है या फिर आप रिटर्नर, आप ये जानकारी देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, ये सही है बात, ये 100% गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता। यानी 20,000 रुपये आप एजेंट को दे रहे हो, वो भी कंपनी आपको वापस कर देगी, और वो उस माहौल में जब फ्लाइट का 1.5 लाख रुपये लग रहा है कुवैत का, और फिर आपको कंपनी लेके जा रही है, 190 केडी मिलता है क्या मेसन में? फ्रेशर आदमी को 190 केडी कम होता है क्या भाई? लोग तो बेचारे 100 केडी में काम कर रहे हैं, 125 केडी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलता है। तो भाई देखिए, जो कुवैत जा रहे हैं, किसी भी देश जा रहे हैं, सावधानी रखिए, ऐसे जो चिरकुटे एजेंट होते हैं ना, ये तिकड़मबाज जो फर्जी एजेंट होते हैं, इनसे बचिए। हमेशा मैन पावर ऑफिस से जाने की कोशिश करें ताकि आपको कम से कम ठगी तो नहीं हो, अगर काम भी नहीं होगा तो ठगी तो नहीं होती भाई। मैन पावर ऑफिस ये लिस्ट है, इनके द्वारा आप जाओगे तो आपको कोई खतरा नहीं है, कोई आपको ठगी नहीं कर सकता। काम नहीं होगा तो पासपोर्ट आपको वापस हो जाएगा, पैसा वापस हो जाएगा, लेकिन इस तरह से तो नहीं करेंगे ना कि बुढ़ा के एकदम गोली दे के गला काटने वाली बात हो गई, समझ गए बात को। तो ये बुक है भाई, आप इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, विदेश से रिलेटेड लगभग 40 पॉइंट इसमें बताए गए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये आप पढ़ लोगे ना, तो आपके साथ ठगी नहीं होगी। मैनपावर ऑफिस, यूरोप से रिलेटेड सब कुछ इसमें जानकारी दी गई है, बुक बिल्कुल फ्री है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के नीचे पूरी जानकारी दी गई है, आप वहाँ पर पढ़ के ये बुक परचेज कर सकते हैं। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।